हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको डीलिंग के मॉडम के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे और ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपके वाईफाई से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अगर आप घर पे अपना डीलिंग का मॉडम यूज़ कर रहे हैं तो आप इस डीलिंग के मॉडम से तो फैमिलियर होंगे ही। ठीक है, ये आपका वाईफाई का सिंबल है, WPS का है। ठीक है, इन्हीं दोनों से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की कंप्लेन आती है कि सर हमारे में पावर की लाइट भी आ रही है, DSL या लिंक भी कंप्लीट है, इंटरनेट की लाइट भी ग्रीन है, तीन लाइटें आ रही हैं लेकिन वाईफाई कैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइट जो जल रही है, हो सकता है ये लाइट उनके में गायब हो। ठीक है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो लाइट है आपकी, तो ये इस वजह से गायब हो सकती है क्योंकि कई बार मॉडम वगैरह गिर जाता है या मान लीजिए कि कोई इधर उधर छेड़छाड़ करे, उसकी वजह से भी हो सकती है प्रॉब्लम। तो उसको रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं बताता हूँ। ये बैक साइड में आप देखो, ये आपको तीन बटन दिखाई पड़ रहे हैं। ऑन ऑफ का बटन जो है ये आपके पावर का है और ये वायरलेस ऑन ऑफ ये ही है बटन। इसके ऊपर ही जो लाइट अभी आपको दिख रही थी ये उसी के ऊपर डिपेंड करती है। WPS का यूज़ मैं अभी आपको बताऊँगा कि क्या है। ठीक है, तो ये वायरलेस ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है, अगर मैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करके रखता हूँ और ये जो बीच में वाईफाई की लाइट है, जब तक ये चली ना जाए तब तक उसको प्रेस करके रखूँगा। ठीक है, ये मैंने पीछे प्रेस कर रखा है वायरलेस ऑन ऑफ का बटन। इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है, तब ये लाइट जाती है आपकी। ठीक है, ये प्रेस करके छोड़ दें, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक प्रेस करके रखें, जैसे आधा मिनट या एक मिनट तक प्रेस करके रखें फिर छोड़ दें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद आप लोगों के घर में यही कंडीशन रहती होगी। जैसे अभी तो मैंने DSL वगैरह की केबल नहीं लगा रखी है, लेकिन ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये लाइट आपके एंड पे ग्रीन है, कम्प्लीट है, पावर की लाइट है। ठीक है, अभी आपके में वाईफाई की लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, तो मतलब आपके में जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसमें वाईफाई नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये मॉडम में बैक साइड में यही जो आपका वायरलेस ऑन ऑफ का बटन है, इसको मैं आप तब तक प्रेस करके रखूँगा जब तक वो आपकी वाईफाई की लाइट ना आ जाए। ठीक है, ये देखिए मैं इसे प्रेस करना चालू करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ये लाइट कब आती है। अब ये करीब आधा या एक मिनट तक, आधा मिनट के करीब हो गया प्रेस करे हुए। ठीक है, मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आ गई लाइट। मतलब आपका ये जो है नहीं, वाईफाई वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो गया, मतलब वाईफाई की लाइट जो है वो आपकी आ गई है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से हम ऐसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच में ये सिंबल दिख रहा है, WPS का सिंबल है। ठीक है, ये आपका इस WPS पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सबसे मैजिकल चीज़ है। ठीक है, इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे आप मान लो कि कोई कंडीशन ऐसी अज्यूम करो कि आपके पास क्या कहते हैं, आप अपना वाईफाई का पासवर्ड अपना आप भूल गए हो। ठीक है, मान लो कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं है, आप चाहते हो कि बस मैं किसी भी तरीके से अपने डिवाइस पर कनेक्ट हो जाऊँ। ठीक है, तो ये बटन आपको उस कंडीशन में आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, उसका यूज़ मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले आप वो मोबाइल ले लो, इसमें सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली ये सभी में सेम होता है। और जैसे सेटिंग्स में जाएं, सबसे पहले सेटिंग्स में जाके ये वाईफाई पे क्लिक करें। ठीक है, वाईफाई में ये एडवांस सेटिंग्स लिखा होता है, एडवांस सेटिंग्स पे जाएं। ठीक है, एडवांस सेटिंग में ये देखिए WPS पुश बटन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्लिक करें। ठीक है, आप देखिए ऊपर क्या लिख के आ रहा है, प्रेस द वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप बटन ऑन योर राउटर, इट मे बी कॉल्ड WPS और कंटेन दिस सिंबल। ठीक है, तो ये देखिए पीछे की साइड ये WPS लिखा हुआ है, इसको मैं दबा देता हूँ। ठीक है, मेरे वाईफाई का नाम जो है वो लखनऊ नाम से है। ठीक है, इसको मैं दबा देता हूँ। ठीक है, मेरा मोबाइल भी देखिए ऊपर वाईफाई कुछ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है अभी। ठीक है,
ये देखिए बटन प्रेस करके मैंने रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कैसे क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या नहीं आते हैं। देखिए लिख के आ रहा है WPS सर्किट कनेक्टेड टू वाईफाई नेटवर्क लखनऊ। अब देखिए ऊपर क्या कहते हैं, वाईफाई का सिंबल बन के आ गया, ठीक है। और ये देखिए इसमें भी ये लाइट ग्रीन हो गई, ठीक है, कनेक्टेड टू वाईफाई नेटवर्क लखनऊ, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने बिना किसी पासवर्ड के ये चीज़ कनेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये वर्स्ट कंडीशन के लिए, जैसे आप पासवर्ड भूल जाओ, आप कनेक्ट करना चाहते हो तो इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर पाया हूँ, और क्या कहते हैं, आपका जो ये एक्स्ट्रा फीचर है WPS का, वो आपके फ्यूचर में कभी काम आ सके, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, धन्यवाद।